क्या हुआ क्या करते हैं? भाई साहब रुको, वो अलग से नाम का लड़का 3-4 दिन से हमारी गली में चक्कर लगा रहा था, फिर हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बैल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ, कह रहा ये ले लो नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई, फिर वो आज 3-4 बार ही चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था, इतनी देर में दो जने आए उधर से, एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था, और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो, उन्होंने ऐसे ऐसे आवाज़ आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है, मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के मारने से पहले पैर छुए थे? हाँ पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के पैर छुए। और यूँ कह रहा चाचा राम राम, तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। और हाँ, मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने, और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। मेरे पोते को भी गोली मारने की क्या बचा रही? वो बंटी और पुनीत, ये दोनों पैसे दे के मरवाए। 1-1.5 महीने पहले बंटी ने ऐसा करवाया, अपने घर पे इसी लक्ष्य से गोली चलवाई और मेरे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि आकाश ने और योगी ने गोली चलवाई है। मतलब जो हमलावर आए थे उनसे पहले से दुश्मनी थी, झड़प थी, रंजिश थी? ना, मेरे आदमी से बोल मकान में हिस्सा मांगते थे तो हमने अपना पर्सनल खरीदा था। पहचानते हो जो हमलावर आए थे? हाँ, तो पहचानते हो? हाँ, कितने हमलावर थे, कितनी राउंड गोलियां मारी? बेटा मैं तो जीने में से उतर रही थी, 2-3 आवाज सुनी थी मैंने तो। मैं बस नीचे, कितने जने थे? वो 2 जने थे बेटा। नहीं मिस।